अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारी थोड़ी सी लैब लेट स्टार्ट हो रही है, ज़रा मुझे एक्नॉलेज कर दें कि ऑडियो आप लोगों को आ रही है। जी सर, ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट लैब आप लोगों की हुई थी असेंबली लैंग्वेज की, लैब नंबर 6, आई होप ऐसा ही है। लैब नंबर 6 हुई थी आप लोगों की लास्ट। ठीक है, अच्छा, लास्ट लैब लैब नंबर 6 थी। आज है हमारे पास लैब नंबर 7, असेंबली लैंग्वेज स्टैक मेमोरी एंड डिले। अच्छा, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, लास्ट लैब के अंदर हमने डीयूपी ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, और वाइल लूप से हमने हमने लेंथ कैलकुलेट करना देखा था एरेज की, ठीक है, और एरेज से रिलेटेड थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। आज भी एरेज और वाइल लूप्स तमाम चीज़ें हमारी लैब में यूज हो रही होंगी। एक हमने प्रोग्राम रन किया था, और जिसके अंदर हमने ये किया था परफॉर्म, एरे के अंदर 5 वैल्यूज स्टोर की थी। वाइल लूप के यूज़ करते हुए डीयूपी ऑपरेटर से हमने एक एरे इनिशियलाइज किया था, और 5 वैल्यूज हमने उसमें स्टोर की थी, और स्टोर करने के बाद हमने उन 5 वैल्यूज को एरेज में से फेच आउट किया था, सही है। और इसी से रिलेटेड एक आप लोगों की एग्जांपल थी जिसमें ये एडिशन परफॉर्म हो रहा था, ठीक है, सम हो रहा था। तो कुछ स्टूडेंट्स थे के साथ ये एरर आ रहा था, कुछ के साथ ये इशू आ रहा था कि जब वो डी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, डी वर्ड के अंदर उनके पास कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है। तो उसको भी अभी हम देख लेते हैं कि उसमें क्या इशू आ रहा था, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, बाकी किधर हैं सारे? तो यहाँ पर हमने एक ये वाइल लूप जो है क्रिएट किया था, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ हमने क्या किया हुआ था भाई, लास्ट लैब के अंदर आप लोगों को याद होगा, एक एरे लिया था हमने बाइट टाइप का, 50s की हमने रख दी थी, हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। 5 डुप्लीकेट करेगा और 0 से इनिशलाइज कर देगा, ठीक है। और कहीं आप लोगों को वॉइस वगैरह ड्रॉप हो तो आप लोग बीच में बता दीजिएगा, ठीक है, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो बीच में ही आप पूछ लीजिए। और यहाँ हमने एरे बाइट टाइप का लिया था और 5 डुप्लीकेट करवा। अब आपके टास्क के अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई राइट अ प्रोग्राम यूजिंग डीयूपी ऑपरेटर विद डी वर्ड, ठीक है। तो डी वर्ड के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था, तो मैंने जिन्होंने मुझसे इस चीज़ की क्वेश्चन या क्यूरी कर ली, तो मैंने उनको बता दिया कि आप चलें अभी के लिए बाइट इस्तेमाल कर लें, ठीक है, और AL रजिस्टर के थ्रू कर लें। वैसे इसको समझने का क्या तरीकेकार है, इसको समझना इस तरह है कि आप एरे ले लें डी वर्ड टाइप, ठीक है। जब बाइट ले रहे थे तब तो आपके साथ कोई इशू नहीं आ रहा था, लेंथ प्रॉपरली कैलकुलेट हो रही थी और सही काम हो रहा था। लेकिन जब आपने ये एरे डी वर्ड टाइप का लिया था तब बच्चों के पास गार्बेज वैल्यू आ रही थी। वो क्यों आ रही थी वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया एरे डी वर्ड टाइप का, 5 टाइम्स डुप्लीकेट कर दिया और 0 से, ठीक है, ताकि 5 वैल्यूज़ का ये एरे बन जाए। मैसेज दे दिया इंटर 5 वैल्यूज़, ठीक है। अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर अपने मेन प्रोसीजर। मेन प्रोसीजर में हमने क्या कहा था भाई, मूव EDX, क्योंकि मैसेज प्रिंट कराने हमने कहा ऑफसेट मैसेज 1, ठीक है, और यहाँ पर हमने कह दिया था कॉल
ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं भाई पहले प्रिंट करके कि यहाँ कोई इशू तो नहीं आ रहा। कोई इशू नहीं आ रहा, हम इसको रन कर लेते हैं। अरे ये देखिए यहाँ पर इसका मतलब प्रॉपर हमारा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। अभी हम इसको आगे चलते हैं। यहाँ से यूजर इनपुट के लिए अब हम क्या कर रहे थे, हमने एक वाइल लूप का इस्तेमाल किया था जिससे हम एरे के अंदर यूजर इनपुट दे रहे थे। तो हमने कहा था भाई मूव ई सी एक्स कॉमा जीरो से स्टार्ट हो एरे, ठीक है, और डॉट वाइल लूप क्या कह रहा है, डॉट वाइल कब तक चलाएंगे हम, जब तक ई सी एक्स इज लेस देन ई सी एक्स, किससे लेस देन है, फाइव टाइम चलाना है, तो ई सी एक्स इज लेस देन फाइव है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कि हमारे पास क्या है, एक यूजर से इनपुट लेना है, कॉल रीड डेसिमल, ठीक है, और डेसिमल यूजर से इनपुट ले लिया। फिर हमने उस वैल्यू को कहाँ मूव करवाना है, अपने एरे के इंडेक्स पे। हमने कहा मूव एरे वन कॉमा, एरे का इंडेक्स क्या है, जीरो, हमने यहाँ पर दे दिया ई सी एक्स कि जीरो से चल रहा है ई सी एक्स, और यहाँ पर हमने दे दिया ई ए एक्स, यानी कि जो रीड डेसिमल से वैल्यू आई है वो ई ए एक्स के थ्रू इसमें चली, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद कहा इंक्रीमेंट ई ए सॉरी इंक्रीमेंट ई सी एक्स, ताकि ये ई सी एक्स इंक्रीमेंट होता रहे और हर इंडेक्स के ऊपर एक एक वैल्यू जाती रहे, ठीक है भाई। अच्छा, और यहाँ पर हमने डॉट एंड वाइल कर दिया, ठीक है। फिर हमने कॉल सी आर एल एफ किया था, ठीक है, और हमने कहा जीरो, ठीक है, सेम काम। और यहाँ पर भी हमने इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस सिंपल यहाँ पर चेंजिंग क्या आ रही है कि रीड डेसिमल की बजाय यहाँ हो जाएगा कॉल सर, आपकी आवाज जो है ना वो दोबारा जा रही है। एक वेट करें, अभी सही आ रही है आपको आवाज? यस सर। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या, यहाँ पर इसका इस वाले को अल्टर प्रोग्राम करेंगे कि भाई यहाँ ई ए एक्स में से वैल्यू आ रही थी, यहाँ हम कह देंगे ई ए एक्स में वैल्यू स्टोर कर दो, तो कौन सी, एरे वन के जो भी ई सी एक्स के ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर दो, कॉल सी आर एल एफ और इंक्रीमेंट ई सी एक्स, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ कह दिया भाई कॉल वेट एम एस जी, सही है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या इशू आ रहा था। यहाँ हमसे वैल्यूज तो ये सिंपल ले लेगा, फाइव यहाँ हमने दे दी भाई फाइव, फोर थ्री टू वन, जब एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें कुछ गार्बेज वैल्यूज जो हमारे पास आउटपुट तो आ रहा है, लेकिन आउटपुट सर हमारा नेट डिसकनेक्ट हो रहा है, तो आप अपना नेट चेंज करेंगे, क्यों डिसकनेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर ये फाइव वैल्यूज हैं, ठीक है, हमने फाइव फोर थ्री टू वन दी, लेकिन इसने आउटपुट में कुछ गार्बेज वैल्यूज दे दी। यही जब बच्चे एडिशन वाला सॉल्व कर रहे थे तो एडिशन में भी उनके पास ये जैसे फर्स्ट वैल्यू तो इसके साथ ऐड हो रही थी वैल्यू, ठीक है। ये गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है, बेसिकली ये इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों को याद होगा, हाँ बिल्कुल सही बताया अदील ने, कि अब जब हम इस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं डी वर्ड टाइप का, डी वर्ड के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं भाई, एक बाइट 16 बिट होती हैं डी वर्ड के अंदर, वेरी गुड।
जी कौन बताएगा। डी वर्ड हमारे पास 32 बिट होता है। बिल्कुल, 32 बिट का क्या मतलब है? 32 बिट का मतलब है 4 बाइट्स। तो जब हम, आप लोगों को याद होगा, जब हम क्या कर रहे थे, हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे। कैलकुलेट करते वक्त क्या कर रहे थे हम? सपोज ये कर रहे थे ना, लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ करते वक्त हम क्या कह रहे थे भाई? अगर हमारे पास बाइट टाइप का है तो हम क्या कह रहे हैं? डॉलर लिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये लिस्ट है या फिर यहाँ पर अगर एरे है तो हम एरे कर देते हैं, तो डॉलर माइनस लिस्ट। लेकिन जब हमारे पास ये क्या हो रहा था, वर्ड टाइप का हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे? डिवाइडेड बाय टू। डी वर्ड टाइप का था तो डिवाइडेड बाय फोर, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लाई कर देता है वैल्यूज को। लेकिन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर डी वर्ड की। डी वर्ड का क्या मतलब है कि जब ई सी एक्स काउंटर हमारे पास चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो इंडेक्सेस हैं, इंडेक्स के अंदर पहला इंडेक्स जब ये एरे क्रिएट करेगा डी वर्ड टाइप का और फाइव, तो ये फाइव यानी कि हर इंडेक्स 32 बिट स्टोर कर सकते हैं हमारे पास। यानी कि हर इंडेक्स कितने बाइट का है? 4 बाइट का, ठीक है। 8 4 32 है ना। तो हर इंडेक्स यानी कि जीरो इंडेक्स इसका जो होगा उसके अंदर कितनी बाइट्स आप स्टोर कर सकते हैं? 32। फिर वन इंडेक्स के अंदर 32, टू इंडेक्स में 32 बाइट, ठीक है। तो इस तरीके से 32, तो इसलिए इसको हमें एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स पे अगर मूव कराना है, यानी कि जीरो इंडेक्स से वन इंडेक्स पे अगर हमें काउंटर मूव कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम डिवाइड कर रहे थे एड्रेस को, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस टू नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस टू वाली कहानी डिफरेंट है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे ना हम एड्रेस को पीछे लाने के लिए, हाफ करने के लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एड्रेस आगे चले जाए। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 8 4 32 है ना। तो जब हम डी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक बाइट को एक एड्रेस समझता है, हम मल्टीप्लाई करा के उसको आगे शिफ्ट कराएंगे। तो हमें यहाँ पर ये जो हमारे पास ई सी एक्स क्या कह रहा है, ई सी एक्स के जीरो इंडेक्स पे, तो जीरो नहीं, जीरो मल्टीप्लाई बाय 4। यानी फर्स्ट टाइम में तो ये जीरो ही इंडेक्स देखेगा, सेकेंड टाइम में जब ये वन हो जाएगा तो वन मल्टीप्लाई बाय 4 फोर्थ इंडेक्स पे देखेगा, फिर 4 के बाद ये 5 हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरीके से ये आगे आगे शिफ्ट करता जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसको दोनों जगहों पर ई एक्स कॉमा 4 करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात किस किस को समझ आ गई, या किसको इसमें कोई इशू है या समझ नहीं आई बात? इसको हम रन करके भी देख लेते हैं। अब आप देखेंगे तो ये हमें वैल्यूज हमारी बिल्कुल एक्यूरेट देगा। यहाँ कह देते हैं 5 4 3 2 1, तो ये देखें इसने हमें सेम हमारा आउटपुट एज इट इज दे दिया, जबकि हमने यहाँ पर डी वर्ड का भी इस्तेमाल किया हुआ है और रजिस्टर भी ई एक्स है, ठीक है। किसी को अगर ये बात समझ ना आई हो? जी सर ऐसे ही किया था हमने, ठीक है, वेरी गुड। अगर ऐसे ही किया था तो वेरी गुड, अगर कर लिया था कहीं ये इस तरीके से और समझ नहीं आई थी और अभी समझ आ गई है तो ये भी सही बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ के ऊपर आ जाते हैं हम, वो क्या है, अब क्या यहाँ पर हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पर हम लोग अभी क्या चीज़ कर रहे थे, यहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, हम लेंथ का इस्तेमाल कर रहे थे भाई, लेंथ इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने कहा भाई डॉलर माइनस लिस्ट, ऐसे ही था, ठीक है। अब जब डॉलर माइनस लिस्ट था, या फिर हमने यहाँ डॉलर, क्योंकि हमारे पास यहाँ लिस्ट की बजाय एरे वन इस्तेमाल हुआ, तो हमने कहा डॉलर माइनस एरे वन, ठीक है। तो ये यूज़ हो रहा है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इस एरे को जो हम रन कर रहे हैं, इसको हम 5 तक नहीं करें, हम यहाँ
यहाँ पर डायरेक्ट इसकी लेंथ दे दें, ऐसे ही है कि ये लेंथ यानी कि एरे की एक लेंथ कैलकुलेट हो जाए, एरे की कितनी लेंथ है बस उतनी दफ़ा तुमने चलाना है, ठीक है। और यहाँ हम कहते हैं ECX इज लेस देन, ये लेंथ के अंदर क्या स्टोर्ड है हमारे पास, तो लेंथ के अंदर क्या स्टोर है, इस एरे का साइज यानी कि इसका क्या साइज है 5, तो ये 5 ECX इज लेस देन 5 तक चलेगा। यहाँ पर भी अगर हम कर दें ECX इज लेस देन लेंथ, तो क्या ये बिल्कुल सही परफॉर्म हो जाएगा, रन करेगा। ये हमने क्या चीज़ यूज़ की है यहाँ पर, हमने लास्ट लैब में डिस्कस किया था, ये जो लेंथ है क्या है, वेरिएबल है ये, रजिस्टर है क्या है, ये कौन बताए, सिंबॉलिक कांस्टेंट है, अदील ने सही बताया, सिंबॉलिक कांस्टेंट है। और इसको हम क्या कह रहे होते हैं, ये जो इसके आगे साइन लगा हुआ है, शहरियार ने भी सही बताया, सिंबॉलिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये इसके आगे ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, ये जो साइन लगा हुआ है हमारे पास जी, इक्वल साइन डायरेक्टिव, इक्वल एक्सप्रेशन इक्वल साइन डायरेक्टिव, ठीक है, डायरेक्टिव है। तो ये कोई मेमोरी नहीं है, ये हमारे पास एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, ये उसका इक्वल साइन डायरेक्टिव है। और ये क्या चीज़ हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे की लेंथ, तो हमने यहाँ पर कह दिया लेंथ। तो अगर हम इसको रन करें इस तरह, तो ये भी हमारे पास देखा जाए तो इसी तरह रन कर दे, ठीक है, लेंथ तक जा रहा है, सही है। यहाँ पर हम ये करती कर रहे हैं कि यहाँ हम लेंथ तक उसकी क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ इशू क्या हुआ कि हमने लेंथ तक कर दिया, लेंथ तो इसकी है, कीवर्ड के हिसाब से ये एरे के तमाम इंडेक्सेस के ऊपर जाता रहेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम ये कितने इनपुट ले लेगा, ये हमसे 5 इनपुट लेने की बजाय कीवर्ड है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 इनपुट्स ले लेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लेंथ में भी इसको डिवाइड कर दिया, अब हम देख लेते हैं, ठीक है, 5 4 3 2 1 सर इसको उस लाइन उसी एरे के नीचे लिखें, ठीक है, 5 3 2 1 0 0 डिवाइड बाय 4। इसी से रिलेटेड अब हमारे पास एक और चीज आती है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास ये पैटर्न था, ठीक है, कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, लेंथ इक्वल्स टू डॉलर माइनस लिस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास एक इशू क्या चीज था, ये जो हमारे पास हर जगह हर दफा हमें इरिटेट कर रहा है, क्या चीज, डॉलर माइनस एरे तक तो ठीक था, लेकिन वर्ड कर रहे हैं तो हमारे पास जो है डिवाइडेड बाय 2 बाइट कर रहे हैं तो सिर्फ डॉलर माइनस लिस्ट, और जब डी वर्ड कर रहे हैं तो डॉलर माइनस 4। तो इसको भी ओवरकम किया जा सकता है, वो किस तरह, हमारे पास एक नेक्स्ट जो अपकमिंग लैब है इसके अंदर आपके पास क्या चीज आ रही है, लेंथ ऑफ ऑपरेटर, ये आपके पास ये मसला हल कर देगा। यहाँ पर हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन आ गया है लेंथ के लिए, ठीक है, क्या नाम है इसका, लेंथ ऑफ ऑपरेटर। तो ये अभी हम इस लैब के अंदर डिस्कस करते हैं। लैब नंबर 7 हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज स्टैक मेमोरी। स्टैक मेमोरी आप लोगों को पता है क्या होती है, एंड एरेज भी अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है। तो स्टैक मेमोरी तो आप लोगों को पता है ना क्या होती है, हमारे पास एरेज का तो आपको पता है भाई, एक डिफरेंट आपके पास मल्टीपल डेटा स्टोर करने के हमारे पास
एक पैटर्न है जिसको हम एरे कह रहे होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप सेम डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं। स्टैक मेमोरी क्या है, स्टैक मेमोरी के अंदर भी आप मल्टीपल डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों ने स्टैक आई होप पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़ चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स। जी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर अगर आप पढ़ चुके हैं तो स्टैक मेमोरी को आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। स्टैक मेमोरी क्या होती है हमारे पास, हमारे पास जैसे एरे है उसी से सिमिलर हमारे पास एक मेमोरी होती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। स्टैक और क्यू आपने दोनों चीजें पढ़ी होंगी, स्टैक मेमोरी और क्यू जो हमारे पास होता है, ठीक है। अब स्टैक के अंदर क्या होता है हमारे पास, स्टैक हमारे पास एक होता है लीफो और एक होता है फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि भाई जो वैल्यू लास्ट हमारे पास जाएगी, ठीक है, वो सबसे फर्स्ट आएगी। और फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो पहली वैल्यू जाएगी वही पहले बार आएगी। तो स्टैक हमारे पास क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा ही है ना कि जो वैल्यू पहले जाएगी वही पहले वापस आएगी। जी कौन बताएगा, ऐसा ही है। जी शोजब रजा आप बता दें, ऐसा ही है ना, स्टैक मेमोरी के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है। जी सर। जी सर यार जबरदस्त, नहीं बिल्कुल गलत। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जी सर क्यू लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, वेरी गुड, ठीक है। बिल्कुल गलत, यहाँ पर हमारे पास स्टैक मेमोरी जो है, आपने अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ठीक है, चलिए इसको देख लें। स्टैक मेमोरी हमारे पास क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कह रहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट होती है, यानी कि जो वैल्यू लास्ट जाएगी वो हमारे पास फर्स्ट वापस आएगी। बिल्कुल सही, अदील ने सही कहा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू जो होता है, क्यू जो है वो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, यानी कि जो लाइन होती है, जो अगर आप बैंक की लाइन में लगे हैं, बैंक में किसी लाइन में लगे हैं, बिल जमा कराने की लाइन में लगे हैं, तो लाइन क्या होती है, क्यू होता है हमारे पास, ठीक है। और क्यू के अंदर जो पहले जाएगा उसी का काम पहले होगा, यानी कि जो पहले जाएगा वो पहले वापस आएगा। स्टैक क्या होता है, स्टैक समझ लें आप, जैसे आपके पास अगर आपके पास प्लेट्स हैं, प्लेट्स का एक पूरा स्टैक होता है। अब जो बल्कि प्लेट्स नहीं समझे आप रखें, हाँ प्लेट्स रख लें, तो आपने जो सबसे लास्ट आपने प्लेट रखी होगी, 10 प्लेट्स रखी हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और फर्स्ट रखी सेकंड रखी करते करते 10, लेकिन जो लास्ट आपने रखी है वो सबसे पहले आप उठा सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगी, स्टैक, यानी कि स्टैक है, स्टैक ऑफ कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो एक के ऊपर एक रख दिया, तो सबसे लास्ट में आपने जो स्टैक की सबसे टॉप के ऊपर आपने जो डॉक्यूमेंट रखा है वो सबसे पहले आप उठा सकते हैं, ठीक है, हाँ पहले पॉप होगी। तो स्टैक मेमोरी को अभी हम डिस्कस करेंगे और एरेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाली लैब के अंदर भी हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब लास्ट लैब में जो हमने लेंथ ऑफ वाला काम किया, यानी कि हम यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट कर रहे थे, तो लेंथ किस तरह कैलकुलेट कर रहे थे, डॉलर माइनस एरे या लिस्ट या जो भी हमारे पास है, यहाँ पर हम करेंगे लेंथ ऑफ ऑपरेटर की मदद से। लेंथ ऑफ ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, द लेंथ ऑफ ऑपरेटर काउंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, वही काम करता है कि आपका जो भी एरे है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसको ये काउंट कर लेता है। किस तरह, इसका हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं कि आपके पास ये मल्टीपल डेटा आइटम्स हैं, ठीक है, तमाम के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू देती हैं, हम एक काम करते हैं और उसको आप कैलकुलेट किस तरह करते हैं, ये लेंथ ऑफ के कीवर्ड से, मूव ई एक्स लेंथ ऑफ बाइट वन, लेंथ ऑफ एरे वन, लेंथ ऑफ, तो ये ई एक्स में क्या चीज स्टोर कर देगा, इस एरे की जो भी लेंथ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस एग्जांपल को भी रन करके देख लेते हैं, इसको यहाँ से
यहाँ हम लिख देते हैं यहाँ हम लिख देते हैं डॉट डेटा के अंदर बाइट वन, इसको हमने रख दिया सपोज बाइट टाइप का, सही है, या फिर हम हाँ बाइट टाइप का, और यहाँ हमने दे दी वैल्यू 10, 20, 30, ठीक है। तो अब इसकी हमारे पास लेंथ क्या है, सी, सही है, अभी करके भी देखते हैं साथ साथ। यहाँ हम आ जाते हैं मेन प्रोसीजर में, मेन प्रोसीजर में हमने लिखा मूव EAX, EAX में क्या चीज आएगी, जो भी इसकी लेंथ होगी कैलकुलेट होगी, हमारे पास लेंथ ऑफ ऑपरेटर का एक ये इरवाइन का फंक्शन है प्री डिफाइंड, ठीक है, लेंथ ऑफ, ठीक है, और यहाँ बाई वन, ठीक है, और यहाँ हमने कह दिया कॉल अब इसकी लेंथ हमारे पास क्या आनी चाहिए, ये है 0, 1, 2, यानी कि तीन वैल्यूज हैं, तीन इंडेक्सेज हैं, तो इसकी लेंथ है 3, तो ये लेंथ ऑफ क्या रिटर्न करेगा, 3, लेंथ ऑफ बाइट वन क्या होगी, 3, और ये कहाँ स्टोर कर देगा, EAX रजिस्टर में, और EAX रजिस्टर को हम राइट इंटीजर कर देंगे, तो हम देख लेते हैं इसको रन करके, ये देखिए इसने हमें दे दिया +3, ठीक है। अब अगर हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, हम यहाँ कह देते हैं एरे वन किस टाइप का है, वर्ड टाइप का, और इसमें हम कह देते हैं 30 DUP अनइनिशियलाइज्ड कॉमा 0, 0, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस एरे वन की क्या लेंथ होगी भाई, मोहम्मद एहतिशाम जरा बताएं माइक ओपन करके, तो इंटरेक्टिव क्लास चाहिए मुझे। नूर अहमद कह रहे हैं 60 होगी जी, 11210 मोहम्मद एहतिशाम आप हमारे साथ ही हैं क्लास में, 60 होगी, वेरी गुड, सब 60 कह दो। अदील कह रहे हैं 30 × 2, एहतिशाम भी कह रहे हैं यस, अच्छा आंसर गलत बता रहे हैं आप लोग, ये बता देता हूँ। सिमरा आप बताएं क्या होगी हमारे एरे वन की जो है लेंथ, जी आप हमारे साथ हैं 11278 सिमरा। नूर कह रहे हैं 64 होगी, सर मैं हूँ आपके साथ लेकिन मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ तो अब आप ज़रा बताएं कि ये हमने अभी ज्वाइन किया तो ये टॉपिक भी अभी हम अभी ही डिस्कस कर रहे हैं, लेंथ ऑफ बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारे पास, जो हम डॉलर माइनस लिस्ट कर रहे थे तो वो वाला काम कर रहे हैं, लेंथ कैलकुलेट करके दे रहा है। तो हम DUP तो हमने लास्ट लैब में ही पढ़ लिया था, तो ये DUP अनइनिशियलाइज्ड कॉमा 0, 0 की लेंथ बेसिकली हमारे पास क्या आएगी, दो दफा डुप्लीकेट होगा, एरर नहीं नहीं 30 times आ जाएगी, अच्छा मतलब इस आगे दो जीरोस लगे हैं इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, नहीं सर 30 times होगा फिर मल्टीप्लाई बाय 3 90 times, अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ 30 times तो आपका ये डुप्लीकेट करेगा, ठीक है, यानी कि 30 times अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू रहेगी, और कॉमा 0, 0 ये बता रहा है कि ये एक वैल्यू आपने यहाँ पर ऐड और कर दी, यहाँ 30 थी ना तो ये हुई 31 और ये 32 वैल्यू हो गई, दो वैल्यूज और ऐड हो गए, ज़रूरी नहीं है कि ये डॉट 0, 0 हो, यहाँ आप डॉट 1, 2, 3 कुछ भी रख सकते हैं वैल्यूज, जो भी वैल्यूज आप यहाँ पर रखेंगे वो तमाम इस इन 30 अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू के बाद ऐड हो जाएगी, या फिर अगर आपने यहाँ पर अनइनिशियलाइज्ड की जगह कोई भाई 50 लिखा हुआ है तो 50 हमारे पास यानी 30 times आ जाएगा 50 लिखा हुआ, और 31st time 5 आएगा, 32nd time 7 आएगा, और 33rd time पे ये 7 आएगा,
हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारे पास लिखा हुआ क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, अनइनिशियलाइज्ड होना चाहिए, 30 वैल्यूज हमारी अनइनिशियलाइज्ड होंगी, और 31 इंडेक्स के ऊपर क्या होगा 5, 32 पे क्या होगा 7, 33 पे क्या होगा 7, ठीक है? तो ये समझ बेसिकली जो हमारे पास एरे है, अगर हम ले लेते हैं चलिए, ये तो हमारे पास है क्या वर्ड टाइप का, सपोज ये होता बाइट टाइप का, ठीक है? तो बाइट के अंदर कितना होता है भाई जी, किसको समझ नहीं आया था? सिमरा को, अब आपने आंसर देना है, ठीक है? बाइट हमारे पास क्या साइज होता है? 8 बिट। 8 बिट। आप लोगों की मीटिंग एंड हो तो जरा रिज्वाइन कर लीजिएगा, 1 2 3, मैं ब्रेक से पहले ही आप लोगों की अटेंडेंस लूंगा, 4 5 6 और 7, ठीक है? अब इस 7 के अंदर हमने यहाँ पर क्या बता दिया है, यहाँ पर कहाँ गया ये एरे 1 डीयूपी 30, और यहाँ पर चलिए 30 की बजाय हमने यहाँ किया होता बाइट, तो ये हो गया 8 बिट का, और यहाँ हमने किया है